ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 26। इस वृतांत को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, जिन महाभयानक यूत पतियों को साथ लेकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के निमित्त गए, आप मुझे उनका नाम बताने की कृपा करें और ये भी बताएं कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या क्या किया और किस किस तरह से दंड दिए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि एक और तो शिवजी की ऐसी बलवान आज्ञा थी और विष्णु जी दक्ष के सहायक थे, इसलिए आप मुझे ये बताएं कि विष्णु ने दक्ष की सहायता की या नहीं। कुछ समझ में नहीं आता कि शिवजी और विष्णु जी के चरित्र कैसे होते हैं। मैंने भगवान शिव और विष्णु के किसी युद्ध का वृतांत कभी नहीं सुना, लेकिन इस कथा में तो सारी सामग्री उपस्थित है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान सदाशिव पर ब्रह्म हैं, अन्य सब देवता और प्राणी उनके सेवक हैं। वे शिव जी अपनी इच्छा के अनुसार सारे काम करते हैं। हम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और हर तीनों उन्हीं के स्वरूप हैं, इसलिए तुम इस संबंध में कोई संदेह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएं गई थीं, उनके सेनापतियों के बारे में बताता हूं। शंख कर्ण के साथ 1 करोड़, केयक राक्षस के साथ 1 करोड़, विक्रत के साथ 8 करोड़, मारियाक के साथ 9 करोड़, सुरमंथक के साथ 6 करोड़, विक्रतानन के साथ भी 6 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुदुम्बी के साथ 8 करोड़ और आवेश के साथ भी 8 ही करोड़ लोगों की सेनाएं थीं। अनलवर्ण, घंटाकर्ण, कुक्कुट, चित्रासन, संवत, करटी, भृंग, बकुली, नंदन, प्रियभानु, सुरसरी नंदन, तारक, छाया, चंड, कालतुंग, कपटी, शूलकारण, पिंगल, मान, सुकेश, अंग, भारभूत, मणिभद्र, लांगुल, बिंदु और मयूराक्ष के साथ 64 करोड़ योद्धाओं की सेनाएं वीरभद्र की सहायता के लिए चली। रविमर्या नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर अपने साथ 1 करोड़ वीरों को लेकर वीरभद्र के साथ चला। इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोद, सुमंत्रक इन तीनों ने अपने साथ 1-1 करोड़ योद्धा लिए। नील नामक महाबली यूथप के साथ 9 करोड़ वीर थे और पूर्णभद्र की सेना में भी इतने ही योद्धा थे। क्षेत्रपाल के साथ इतनी सेना थी जिसकी संख्या का बखान मैं नहीं कर सकता। इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर चल पड़े। इस असंख्य सेना के चलते समय दशों दिशाओं में भारी हाहाकार मच गया। इन सब के साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चल पड़ी। उन 9 स्वरूपों के नाम इस तरह हैं, काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडीर मद्रिनी, भद्रकालिका, भद्रा, त्वरिता और वैणवी। इनके साथ शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रेत, लंकिनी, मसांति, कुष्मांडी, ब्रह्म राक्षसी और 64 योगिनियों के समूह भी चल पड़े। अब इस सेना का वर्णन मैं कहां तक करूं। जिस समय यह विशाल सेना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर पड़ने वाली धूल समस्त आकाश में इस तरह भर गई कि उसने सूर्य नारायण को भी छिपा लिया और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में
अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे जो भावी विपत्ति के सूचक थे।